Dear students, in this module, we are going to see that how functionalist perspective defines the sick role. Functionalism is a sociological perspective that views society as a system of interdependent parts that work together to maintain social order and stability. So, functionalists society this point of view is that the continuously मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता रहे और जो भी उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली कॉप्रेशन के अंदर रहते हैं अगर किसी भी एक पार्ट के अंदर जो है वो डिसफंक्शन पैदा होता है तो बाकी पार्ट्स को उसके मुताबिक जो है एडजस्ट करना पड़ता है हेल्थ और मेडिसिन सिस्टम के अंदर फंक्शनिस्ट जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंगली सिक रोल को देखते हैं यानी दूसरे लफ्जों में अहम सवाल ये होता है कि मुआर जो है वो किस को बीमार समझता है हो इज़ आ सख पर्सन और उससे अहम ये होता है कि मुशर सिक रोल से जो है क्या एक्सपेक्टेशन्स रखता है और क्या ऑब्लिगेस जो हैं वो सिक रोल के लिए उससे मनसूख करता है तो टैलकट पार्सनस ने मिड ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर सिक रोल के हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशन और उसकी ऑब्लिगेशंस डिफ़ाइन की हैं उसके ख्याल के मुताबिक एक सिख आदमी से या जिसको बीमार कंसीडर किया जाता है बायोलॉजिकली अगर कोई सिख है तो मुआरह जो है वो उससे सोशली भी एक्सपेक्ट करता है दैट ही शुड लुक लाइक अ सिख पर्सन एंड ही शुड बिहेव लाइक अ सिख पर्सन और उससे काम जो रूटीन का काम होता है फिर वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता उसको उससे एग्जेम्प्टेड करार दिया जाता है इसके साथ साथ जो है उसकी जो सिक रोल की एक्सपेक्टेशन होती है अहम बात उसमें ये होती है कि वो ख़ुद अपने आप को अपनी उस सिकनेस का ज़िम्मेदार ना समझे बल्कि इसके कुछ बायोलॉजिकल या नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं उसकी सिकनेस के ख़ास तौर पर जो सिक रोल होता है उसके अंदर जो एक सिक पर्सन होता है उससे जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि दैट पर्सन शुड ऑल्सो बिहेव लाइक अ सिख पर्सन ये नहीं होना चाहिए कि उस अपनी सिकनेस के अंदर रहते हुए वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करे और उससे जो है वो नॉर्मल या रूटीन एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट की जाएँ सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट कि जो फंक्शनिस्ट परस्पेक्टिव है वो सिख रोल को भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि कैसे सिख होना भी मुशरे के लिए जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है

और नंबर टू जो सिक पर्सन है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे किसी भी हीलिंग प्रोसेस के अंदर से गुजारा जाए चाहे वो कॉस्मोपोलिटन मेडिकल सिस्टम है या जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है जब हम ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो हीलिंग मैकेनिज्म है उसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो रही हो साथ साथ यानी सिर्फ और सिर्फ आप दवा के ऊपर इसार नहीं, नहीं कर सकते बल्कि दवा के साथ साथ दुआओं की ज़रूरत भी पड़ती है तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि दवा के साथ दुआ भी होनी चाहिए हमारे पर्टिकुलरली जो रिलीजस आइडियोलॉजी uh, है उसकी वजह से हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम के अंदर जो है इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है फिर जो सिक रोल होता है इट कैन आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सोशल सपोर्ट मैकेनिज़म्स और एंड लजिटमेसी फॉर समवन दैट हु कैन बी कंसिडर्ड एन इल परसन तो हमारे यहाँ चूँकि सोशल सपोर्ट मेकानिज़म्स जो हैं वो नॉन गवर्मेंटल हैं यानी गवर्नमेंट की उसमें इतनी ख़ास सपोर्ट नहीं होती है जो हमारे रिलेटिवस uh, होते हैं जो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं ये सोशल सपोर्ट के मेकनिज़म्स जो हैं बीमार होने की सूरत में वहाँ से आते हैं मसल uh, अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर देखें तो जो भी सिख पर्सन होता है He or she has to go alone in the hospital. As compared to that, Pakistan ke के अंदर अगर देखें तो mein में आ, किसी को admit करने या करवाने के लिए शायद एक या एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसके साथ जाते हैं और वहाँ पे भी जो है कंटिन्यूसली अगर उसको नर्सिंग सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है तो आपके रिलेटिवस जो हैं वो वहाँ पे नर्सिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसके साथ साथ जो सिक रोल है इट कैन हेल्प टू मेनटेन सोशल ऑर्डर by allowing for the temporary exemption from certain social obligations and it can also create social norms and expectations around the health and illness they can also help us understand that how social institutions such as healthcare systems and work they, uh, they develop a sense of social order within the society and more importantly

कि आप देखें कि पाकिस्तान में जब कोई बीमार होता है जब किसी को मरीज़ कंसीडर किया जाता है तो माशरे का उसके हवाले से रवैया क्या होता है किस तरह से उसको हेल्थ केयर सिस्टम में से गुजारा जाता है और उसको कब ये डिटरमिन किया जाता है कि नाओ आफ्टर पासिंग थ्रू दिस हेल्थ केयर सिस्टम नाओ दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन